जय महेश। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउटेड दही वड़ा। तो हम पहले सबसे पहले स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग के लिए हम लेंगे स्प्राउटेड मूंग और मट, पनीर के पीसेस, ग्रेटेड चीज, ड्राई फ्रूट्स, नमक, पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, शेजवान सॉस, और आप चाहे तो इसमें ऑनियन भी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के अनुसार। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के बॉल्स। तो इसके लिए मैंने आटा ब्रेड लिया है जिसके चारों बॉर्डर्स को मैंने कट कर दिया है। अब हम इसे साइड में पानी में डुबाएंगे और इसको निकाल लेंगे और इसको उसका पानी ड्रेन कर देंगे पूरा जो पानी होगा वो। अब हम इसे हमने जो बनाई हुई स्टफिंग है वो हम इसमें एक दो चम्मच स्टफिंग इसमें डालेंगे इस तरह से। और अभी हम इसका धीरे से बॉल बना देंगे जो ऐसा, ये धीरे से हम इसे दबा के इसका बॉल बना देंगे। अभी हम चलते हैं गार्निशिंग की ओर। लेंगे इमली की चटनी, इस पे डालेंगे और इसके बाद नमक, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और आखिर में हम कोरिएंडर से उसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। और ये अब हमारा बन गया है दही वड़ा, यम्मी हेल्दी दही वड़ा। जय महेश। थैंक यू।